उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे अभिजीत यादव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अभिजीत की हत्या उसकी ही मां मीरा यादव ने की थी। मीरा यादव को बेटे की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां गौरतलब है कि विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने दो शादियां की हैं। पहली पत्नी प्रेमा देवी हैं, जिनका एक लड़का आशीष यादव है, जो पूर्व में एटा जिले की सदर विधानसभा से विधायक रह चुका है। ये दूसरी पत्नी मीरा यादव थीं, जो लखनऊ के दारुल सफा स्थित विधायक निवास B-137 में अपने दो बेटे अभिषेक और अभिजीत के साथ रहती थीं। दारुल सफा के इसी आवास में अभिजीत यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मौत के बाद परिजनों का दावा था कि रात को सोते वक्त अभिजीत के सीने में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद वह सो गया। सुबह परिजनों ने उठने पर देखा कि वह बिस्तर पर मृत पड़ा है। आनन फानन में परिजन सब का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला इसके बिल्कुल विपरीत निकला और पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी। पुलिस की जांच में मृतक अभिजीत की मां मीरा यादव ने बेटे की गला दबाकर हत्या की बात कबूल की। मीरा यादव का कहना है कि वो अभिजीत के नशे की आदत से परेशान थीं और आए दिन घर में झगड़ा होता था। घटना की रात अभिजीत शराब के नशे में आया और उसके बाद विवाद हुआ और फिर मां मीरा यादव ने अभिजीत की गला घोटकर हत्या कर दी। 21 अक्टूबर को अभिजीत यादव जो दारुलसफा में रहते हैं, उनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उनके परिवारजनों ने यह बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। किंतु पुलिस को संदेह हुआ, इस आधार पर पुलिस ने उनका पंचायतनामा भरा, उसके बाद शव को PM के लिए भेजा। PM रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मृत्यु गला दबाकर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया, उनके परिवारजनों से बात की, उनकी मदर से भी गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कल रात में उनका बेटा नशे की हालत में उनके साथ विवाद कर रहा था, भद्र व्यवहार कर रहा था, इसी के बाद उन्होंने यह घटना कारित किया है। पुलिस को अन्य परिस्थितिजन साक्ष्य तथा पूछताछ जो अब तक साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर मृतक की माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साक्ष्य संकलन तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।